सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदिवासियों की 13 फरवरी को दिए गए निर्णय को लेकर आगामी 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासियों ने बड़वानी में रैली निकालकर वन विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से मांग की। बड़वानी जिले के ग्रामीण आदिवासी किसानों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर वन विभाग का घेराव किया, जिसमें जागृत आदिवासी संगठन के बैनर तले ग्रामीणों व संगठनों के कार्यकर्ताओं के अनुसार वन अधिकारी अधिनियम 2006 में पारित हुए आज 13 साल हो गए हैं। देश भर में आदिवासी परिवार कानून में सुनिश्चित किए गए पारंपरिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। वन अधिकार कानून अंग्रेजों से शुरू हुआ आदिवासियों पर लगातार अत्याचार के सिलसिले को खत्म करने के लिए बना था, परंतु इस कानून को वन विभाग ने कभी माना ही नहीं, जबकि शासन और प्रशासन के अन्य विभागों ने आंख मूंद ली। इसी कारण लाखों आदिवासियों के दावों को बिना कानूनी जांच के निरस्त कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के 13/2/2019 और 28/2/2019 के आदेश के बाद प्रदेश के 3.5 लाख से भी ज्यादा आदिवासियों पर बेदखली की तलवार लटक रही है। और यदि ऐसा बेदखली हुआ तो आदिवासी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है और किस पद पर संगठन? जागरण आदिवासी दलित संगठन से सिंह चमरे आदिवासी समाज का कार्यकर्ता हूँ मैं। किस संबंध में आया यहाँ पर वन विभाग में? आज 2006/31 दिसंबर जो वन अधिनियम का कानून बना, लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन नहीं किया गया, उल्टा लोगों को बेदखल किया जा रहा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से केंद्र सरकार लोगों को बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एनजीओ था कि जंगल से आदिवासी को बेदखल किया जाएगा और जितने भी 2006 का पट्टा बन गया बाद नहीं बना उसको बेदखल किया जाएगा, केस लगाया। पहली बार सुनवा रही पब्लिक तरफ से केंद्र सरकार वकील नहीं खड़ा किया, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार हो गया, लेकिन जब तक केंद्र सरकार ने पब्लिक तरफ से वकील नहीं खड़ा किया। फिर बाद में क्या हुआ कि कोर्ट ने एक तरफ सुनवाई कर दिया कि आदिवासी को बेदखल किया जाएगा 27 जुलाई। फिर राज्य सरकार ने हमने अपील किया कि वापस कोर्ट ने एक अपील किया तो 24 जुलाई को सुनवाई है। तो हम अंग्रेजों से पहले हम आदिवासी जंगल में बसे हुए 70 साल सरकार हमारे ऊपर शोषण करती जा रही, पट्टे के नाम से राजनीति करती जा रही, चुनाव जीतती जा रही, लेकिन आज तक हमारे नहीं दिया गया है। पट्टे के नाम से दलाली षड्यंत्र चलाया जा रहा है। 24 जुलाई को आगामी राज्य सरकार कोर्ट में अच्छे एडवोकेट खड़ा करे, इसलिए हम 22 तारीख को सभी महिला एकत्रित होकर हम डीओपो कार्यालय माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से राज्यपाल के नाम से हम ज्ञापन आज दिल्ली भाई कहाँ को आए हैं, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हो? यहाँ ज्ञापन देने के लिए हमारा ये सरकार अंग्रेजी आया नहीं, पहले से हमारा लोग होशिया तो हमारा लोग होशिया के बाद में हमारा पट्टा नहीं मिल रहा, वहाँ तक नहीं पट्टा, आज तक नहीं पट्टा मिल रहा। हमारे कोई पीढ़ी हमारी सरती गई, लेकिन आज तक हमारा वन भाग में का पट्टा नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए सरकार पास आ गया। तो हमारा 2005 का कानून का मांग करा था तो सरकार ने वो कानून ना सरकार ने उल्लंघन नहीं करा, तो अब हमको सरकार ने उल्लंघन कर दिया, हमको यहाँ आने का हमारी जरूरत नहीं, तो हम अब नहीं सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करा चुके, तो हम यहाँ आ गए। अब ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आ रहे, आज तक नहीं हमारा ये हमारा इतना वहाँ तक नहीं हमारा लोग गुजर गया, बाकी हमारा पट्टा नहीं मिला, और आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आर्ड लेकर हमको बेदखल करना उजाड़ने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया, इसलिए हम यहाँ पर उतर गया। देवास जिले